हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो गाइस यार, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिल्डर हॉल लाइन पे आपको 1000 ट्रॉफी किस तरह पुश करना है ओनली 3-5 डेज में। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। किस तरह आपको 1000 ट्रॉफी पुश करना है, ये आम आदमी की बात नहीं है, ये सिर्फ क्लैशर्स कर सकते हैं। जो भी क्लैश ऑफ क्लैंस दिल से खेलता है, मन से खेलता है, वो आराम से यार 1000 ट्रॉफी तो आराम से पुश कर लेगा। और 1000 ट्रॉफी करने के दो फायदे हैं। एक तो आपको लूट जो मैक्सिमम मिलती है उससे आपका बेस फास्ट मैक्स होगा, और दूसरी बात सीएसी अपने को 3000 ट्रॉफीज पर 1000 जेम्स देती है। तो 1000 जेम्स यार दो बुक ऑफ हीरोज आते हैं उससे, तो यार वो भी आप फास्ट कर सकते हो। और गाइज ये आर्मी से लिटरली मैंने 2 या 3 डेज में कुछ 700 ट्रॉफी पुश करी थी, और जो मेरा बेस है वो बेस भी आप वही सेम बेस लगना, तो उससे क्या आपका जो डिफेंस में ट्रॉफी जाती है वो भी फास्ट आपको मिलेगी। अगर आपका 100% नहीं होता है, 70% होता है, तो आपको डिफेंस में ट्रॉफी मिलेगी। तो मैं उस बेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कॉपी करके आपको बेस पे अप्लाई कर देना। उससे पहले एक और बात गाइज, यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमने नया टारगेट सेट किया है 1.3K सब्सक्राइबर्स। आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग क्लैश ऑफ क्लैंस आपके लिए आते रहेंगे, और अलग अलग स्ट्रेटेजीज के वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अपन डायरेक्ट वीडियो की तरफ। देखो, बिल्डर ऑनलाइन की मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो एक पहले भी लाया था। कौन सी स्ट्रेटेजी थी? जाइंट कैनन कार्ट और अपना वॉल ब्रेकर्स। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने इसका वीडियो पहले भी लाया था, और सेम वीडियो में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। एक तो गाइस आपको अपने हीरोज मैक्स रखने हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, जितने हीरोज मैक्स रहेंगे उतनी आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी दोनों ही बेस में, ये बेस में भी और वो बेस में भी। हीरोज आपको मैक्स रखने हैं, प्लस इस अटैक में आपको जाइंट और कैनन कार्ट मैक्स नहीं तो यार 16-17 लेवल का तो आपको होना ही चाहिए। वॉल ब्रेकर एक बार कम लेवल का होगा तो चल जाएगा, लेकिन ये अटैक स्ट्रेटेजी के लिए इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि पुश करने के लिए आपको वैल्यू खींचने के लिए आपको, क्योंकि जाइंट्स के हिट पॉइंट इतने ज़्यादा है, तो यार जितना हो सके आपको जाइंट ज़्यादा रिलीज करना है, जिससे सभी डिफेंस जाइंट पर टारगेट करे और पीछे से कैनन कार्ट इजीली ये बेस क्लियर कर सके। और बैटल मशीन तो यार अलग ही है, एकदम ओपी है लेवल 30 की। तो आप ट्राई करो यार, बहुत मजा आता है ये स्ट्रेटेजी ट्राई करने में। और याद रखना गाइस, जाइंट आपको सब एक साथ नहीं छोड़ने, टैप 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 करके पूरे बेस में फैला देना है, उसके पीछे सारे कैनन कार्ड फैला देना है, और जहाँ वॉल ब्रेकर लगे वैसे वॉल ब्रेकर छोड़ना है, और आपको बैटल मशीन इस जगह से छोड़ना है ताकि उसको कोई टारगेट नहीं कर सके, तो इजीली ब्लेस क्लियर हो सके। अब यहाँ पे देखो, मैंने कुछ 64% मैंने कुछ लाया, और अभी मैं आपको सामने वाले का अटैक बताता हूँ किस तरह उसने मेरे बेस पे अटैक किया और उसने कितने परसेंटेज गेन किए। ये मैंने इंटू 4 में किया है इसलिए आपको इतना फास्ट दिख रहा होगा, लेकिन मेरा ये जो बेस आपको रखा है, जो मैंने आपको कॉपी लेआउट दिया है, देखो यार इसके तो सब मैक्स ट्रूप्स थे, फिर भी ये मेरे पे 64% से ज़्यादा नहीं ला पाया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप सेम बेस आप कॉपी करके अप्लाई करो, जिससे आप फास्ट ट्रॉफी पुश करो। और मेरा तो इसमें एक ही मोटिव है, ये मैं साइड भी इसलिए ही खेलता था क्योंकि मुझे छठा बिल्डर खोलना था, क्योंकि 6 बिल्डर खुलता है, और 6 बिल्डर यार बहुत 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 ही ज़्यादा काम का है। तो 6 बिल्डर के पीछे पड़ो, यहाँ पे आपको कुछ 2-3 चीज़ अपग्रेड करनी पड़ती है। तो ये मेगा टेस्ला है, एक मल्टी मोटार होता है, एक अपने कैनन कार्ड्स होते हैं जो मैक्स लेवल के करने होते हैं, एक बैटल मशीन मैक्स लेवल की करनी होती है, और अपने दूसरे जो साइड पे वहाँ पे अपने को सारे अपने जो आर्चर टावर्स है, कैनन्स है और मोटार है, उसको मतलब जो छोटे हो जाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, गियर अप करना पड़ता है। तो यार मेरा मेन मोटिव तो खाली इसको अपग्रेड करने का ही है। और साथ ही साथ गाइस, बिल्डर हॉल लाइन पे दिसंबर में हमें कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, जो भी रिसेंटली सीओसी में मेंटेनेंस ब्रेक में अपने को पता चला है। तो बस यार, होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहूँगा। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो का मतलब समझा होगा। सनी भाजी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो एक बार ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना ये 2.5 किलो का हाथ है, ये पड़ेगा तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। गुड बाय।